मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावत कृषि उपज मंडी में एक बार फिर किसानों के साथ एक व्यापारी ने धोखाधड़ी की है। 150 से ज्यादा किसानों का 4,70,00,000 रुपए का चना खरीदी और फरार हो गया। वहीं किसान पिछले 1.5 माह से मंडी और थाने के चक्कर लगा रहे हैं। गत दिनों SDM और विधायक से मिले आश्वासन के बाद भी राशि नहीं मिलने से नाराज किसान गुरुवार को मुख्यालय पहुंचे। यहां कृषि उपज मंडी में बैठक के बाद आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं आक्रोश रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, यहां प्रदर्शन कर राशि दिलाने की मांग की। किसानों का कहना है कि यहां के व्यापारी किसानों की उपज की राशि दिए बगैर भाग रहे हैं। वहीं किसान चेतन शिवनारायण, राम सिंह, गजराज सिंह, हरिकरण बाबूलाल द्वारा बताया गया है कि 150 से ज्यादा किसानों से व्यापारी अनिल माली ने उपज खरीदी और फरार हो गया। किसान 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं, व्यापारी राशि लेकर फरार हो गया है। किसानों का कहना है कि हम लूट गए हैं, यदि उपज की राशि नहीं मिली तो कर्जा कैसे चुकाएंगे। वहीं किसानों ने कहा कि मंडी सचिव व्यापारी की राशि और अन्य संपत्ति कुर्क करवाएं। वहीं मामले में मंडी सचिव ने थाने में शिकायत की है। इसमें व्यापारी को गिरफ्तार कर संपत्ति कुर्की कर राशि दिलाने की कार्यवाही की मांग की है। मांगे हैं अभी वर्तमान में, एक तो 2 माह पूर्व सनावत मंडी प्रशासन की मिली भगत से व्यापारी अनिल मालाकार ने 4,70,00,000 का किसानों का पैसा गबन किया, धरना दिया, आंदोलन किया, लिखित आयुक्त से लगाकर SDM महोदय और स्थानीय विधायक महोदय ने भी दिया। उसके बाद भी किसानों को उसकी राशि नहीं मिली, इसलिए राशि लेने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के दरबार में आए। दूसरा विषय है, एक राशि 659 जो किसानों को 1200 में बेचा गया, 1500 में बेचा गया, स्टॉक की कमी बताई। एक निजुडू का आसावन है, स्टॉक की कमी बताई गई, बड़ा SIT जांच का विषय है। मैं मांग करता हूं कि 8 महीने में जो बीज बनता है, 15 दिन में इतना बीज आ गया कि दुकानों के दुकान भरी की भरी है, उनकी सारी की SIT की जांच की जाए और सभी किसानों की ओर से इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करो, निजुडू का संबंधित डीलर, प्रदेश का डीलर और सब ने जो लूट लूट मार की है, सारे लुटेरों को जेल में बंद करो और SIT जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे, ऐसी मांग है। प्रशासन व्यापारी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी संपत्ति कुर्की करके राशि देने की बात कह रहा है, किसान का संतुष्ट नहीं हो पा रहा है क्या? गिरफ्तार करना उनका काम है, मगर किसान की तो राशि का बात है, हमको उसकी गिरफ्तारी से क्या लेना देना। हमको तो हमारी जो राशि है हम पूर्व में दिला चुके हैं। खरगोन में रवि जिनिंग की हालत खराब हुई थी तो 3,50,00,000 रुपए यहीं से डायरेक्ट मंडी बोर्ड ने दिया। मंडी बोर्ड के पास करोड़ों रुपए है, जरूरत पड़े तो मध्य प्रदेश के SSV मुख्यमंत्री जी पैसा दे देंगे। 4,70,00,000 के लिए इतनी नौटंकी क्यों? अगर आपको पैसा देना है तो डायरेक्ट 4,70,00,000 रुपए एक झटके में दे सकते हैं, मगर प्रशासन की मंशा नहीं दिखती कि किसानों के पैसे मिले। व्यापारी बगैर लाइसेंस की भी खरीदी की बात उठी थी, आप लोगों क्या प्रयास कर रहे? बगैर लाइसेंस के व्यापारियों की तो भीड़ है। आप सनावत मंडी तो एक लूट का अड्डा है, तो पूर्व में भी वहां से किसानों के पैसे लूट कर ले गए। आप मिर्ची मंडी में चले जाओ, बगैर लाइसेंस के कई मिर्ची व्यापारी घूम रहे हैं और किसानों की लाखों की मिर्ची का 3, 13, 9, 18 बना रहे हैं। इसलिए ये जो लाइसेंस और बगैर लाइसेंस की जो कहानी है, ये मंडी से चालू होगी और मंडी से ही खत्म होगी। मंडी प्रशासन अगर सख्त हो तो ये कुछ भी नहीं हो, मगर मंडी प्रशासन व्यापारियों की और सबके मिली भगत है। भारी भरकम पैसे की इधर उधर होती है और किसान को लूट के लिए यहाँ पर खुला छोड़ दी। आज प्रशासन के अभी क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से कल कलेक्टर महोदय से बात हुई थी हमारी, कोई कमिश्नर साहब आ रहे हैं तो वहाँ चले गए। हमने कहा साहब हम शाम को मिलकर जाएंगे आपको, क्योंकि आशा अब उनसे ही जगी है, वो यहाँ के राजा है, किसानों को उनका पैसा दिलवाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। अन्यथा हमारी योजना है कि ऐसा नहीं करेगी यहाँ का प्रशासन, अगर करती है तो हम यही रात रुकेंगे। गोपाल पाटीदार, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, मध्य भारत प्रांत संगठन मंडी। एक व्यापारी जो पैसे लेके भाग गया, उसको लेकर उन्होंने अभी धरना प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट के लिए धरना दे दिया। देखिए, इस संबंध में प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है और हम लोगों ने बहुत ही प्रोएक्टिवली इस पे काम किया है।
हम ही लोगों ने जो है जैसे ही ये चीज हमारे संज्ञान में आई थी प्रशासन के, तो तत्काल हमने सभी किसानों को जो जो भी इससे प्रभावित किसान थे उन सभी की लिस्ट बनाई थी। लगभग 200 किसान हैं, उसकी पूरी की लिस्ट बनाई कि उनका कितनी राशि होती है, लगभग 4.25 करोड़ की राशि का वो है, वो आइडेंटिफाई किया। साथ साथ में हम ही ने कंसर्न जो व्यापारी है उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने और हमने प्रशासन ने मिलकर तत्काल उसको पकड़ के उसको जो व्यापारी है वो भागा नहीं है, उसको जेल में बंद किया है। आज अभी आज की तारीख में भी वो जेल में है। साथ साथ में उसके जितने भी अकाउंट हैं उन सभी अकाउंट को सीज कर दिया है, पहले से ही कर चुके हैं सीज। और साथ में उसकी जितनी भी जमीन आइडेंटिफाई हुई थी, चाहे वो कसरावत में कुछ जमीन आइडेंटिफाई हुई है, कुछ भगवानपुरा क्षेत्र में हुई है, कुछ सनावत क्षेत्र में हुई है, इन बेड़िया क्षेत्र में, इन सभी जमीनों को जब्त कर लिया है ताकि इन जमीनों की कुर्की की जा सके और कुर्की से जो प्राप्त राशि होगी उससे किसानों को जो है वो राशि दी जाएगी। तो कुर्की की प्रक्रिया भी हमने स्टार्ट कर दी है। वो एक समय, एक प्रक्रिया का में जो समय लगता है वो समय तो कुर्की की प्रक्रिया में लगेगा। जैसे ही कुर्की की राशि प्राप्त होगी तो किसानों को हम लोग उसमें जो राशि उसकी माध्यम से दे रहे हैं। साथ साथ में उसके एक ब्रदर को भी सहभियुक्त बनाया है और उसको भी जेल में बंद कर दिया, उसकी जमानत भी जो है निरस्त करवाई है ताकि पूरी तरह से दबाव रहे और इनसे पूरी राशि वसूल करें। हम लोग कटिबद्ध हैं, हम लोग किसान के साथ में हैं और जो भी किसानों की जो राशि होगी वो इनकी कुर्की की प्रक्रिया करवा कर उनको एक एक व्यक्ति को खाते में उनकी राशि वापस की जाएगी। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।